नमस्कार दोस्तों, ओप्पो रेनो एस ओप्पो की तरफ से एक न्यू फ़ोन लॉन्च होने वाला है। तो दोस्तों, क्या कुछ खास फीचर इस फ़ोन में देखने को मिलता है और कितना इसका प्राइस होने वाला है, इसी के बारे में हम लोग आज बात करने वाला है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखते रहिए। तो बात किया जाए इसका स्क्रीन साइज़ की, तो इधर आप लोगों को मिलने वाला है 6.56 का फुल HD डिस्प्ले। और दोस्तों, बात किया जाए इसकी पैनल की, पैनल इधर आप लोगों को एमोलेड देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, पिक्चर क्वालिटी में इधर आप लोगों को कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ देखने को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, बात किया जाए स्मार्टफोन की प्रोसेसर की, तो दोस्तों प्रोसेसर आप लोगों को मिलने वाला है MediaTek का हीलियो P90 का प्रोसेसर, जो कि स्नैपड्रैगन का 675 की तरह ही प्रोसेसर इस फोन में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो वही बात किया जाए इस गेमिंग परफॉर्मेंस को लेके, तो दोस्तों इधर आप लोगों को खास करके पबजी में जो है HD+ जो है अल्ट्रा फ्रेम रेट के साथ साथ इस फोन में आप लोग बहुत ही अच्छा तरीके से जो है पबजी खेल सकते हो बिना लैग के। तो यही इस फोन का जो है खासियत है, गेमिंग परफॉर्मेंस को लेकर बहुत ही अच्छा रिजल्ट आप लोगों को मिलने वाला है। तो बैक साइड में इधर आप लोगों को क्वाड कैमरा देखने को मिल जाएगा, जो कि आने वाला है 48 मेगापिक्सल प्राइमरी सेंसर, 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड सेंसर, 2 मेगापिक्सल डेप्थ और 2 मेगापिक्सल माइक्रो लेंस के साथ। ओवरऑल दोस्तों, आप लोगों को कैमरा इधर बहुत ही बजट कैटेगरी का देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, फ्रंट साइड में इधर आप लोगों का 16 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल जाएगा, जो कि आने वाला है पॉपअप सेल्फी कैमरा के साथ। तो फास्ट चार्जिंग की बात किया जाए, तो इधर आप लोगों को 65 वाट का फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाएगा, जो कि बहुत ही फास्टेस्ट चार्जिंग इधर आप लोगों को मिलने वाला है। तो बैटरी के एमएच के बारे में बात किया जाए, तो इधर आप लोगों को 4000 का बैटरी इधर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों, ओप्पो ने क्लेम किया है दोस्तों कि आप लोगों को जो है 40% चार्ज 10 मिनट में इधर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। और साथ ही साथ ओप्पो ने ये भी किया है दोस्तों कि आप लोगों को जो 30 मिनट के अंदर इधर आप लोगों को जो फुल चार्ज देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, ये बहुत ही एक अच्छा बात है। और साथ ही साथ दोस्तों, इधर आप लोगों को Type-C पोर्ट देखने को मिल जाएगा, और साथ ही साथ इधर आप लोगों को 3.5mm का जैक भी देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, यही था इस फ़ोन का कुछ खास फीचर। ये फ़ोन बहुत ही जल्द इंडिया में लॉन्च होने वाला है। तो दोस्तों, कैसा लगे ये फ़ोन का फीचर आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और दोस्तों, बात किया जाए इसकी ओवरऑल प्राइस की, तो दोस्तों प्राइस इधर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा 30,000 के आसपास ये फ़ोन जो है आप लोगों को इंडिया में देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, इसी तरीके से आप लोग नए नए वीडियो देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं मिलता इसी तरह एक खास वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।